स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और बताओ। तो मैं आज जो है क्लास 10 के लिए न्यूमेरिकल्स का सेकेंड लेक्चर ला रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक मिसलेनियस लेक्चर आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लाइट और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ओके। यानी कि एक न्यूमेरिकल चैप्टर और एक थ्योरी चैप्टर, दोनों साथ साथ चलेगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि आप लोग सीरियस नहीं हुए हो, है ना। टेंथ के बच्चों ध्यान दो, है ना, सीरियस रहो, है ना, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। एंड यू गोट वेरी लिटिल टाइम, आपको बहुत कम समय मिलेगा और आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। और देखो क्या होता है कि टेंथ का ऐसा बोर्ड है कि सिर्फ आपको टेंथ पास नहीं करना है, यही एक आपका फाउंडेशन सेट करेगा जो कि आगे क्या करियर डिसाइड होगा इन 11th, 12th और फर्दर, है ना, इन योर फ्यूचर। तो फुल्ली अगर एक देखा जाए तो अगर एक घर है तो घर का जो नीचे का फाउंडेशन होता है वो टेंथ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एकदम सीरियस हो जाओ और पूरा टाइम को एकदम यूटिलाइज करो स्टडी करने में, पढ़ाई में, ठीक है। बिल्कुल ही टाइम नहीं बर्बाद करना है और आप पूरा लेक्चर्स को फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ज्यादा ही न्यूमेरिकलीज मैं तुमको लोगों को स्ट्रांग कर दूंगा, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, आपको फुलफिल किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल ही टाइम बर्बाद ना करें और इस पर ध्यान दें, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर आप बोलूं मैं क्वेश्चंस देने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूं, ठीक है। उस पर आपको सारा चीजें एक बड़े ब्रांड की तरह जाकर के आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल करना कुछ नहीं है, एकदम से सीधे चैनल को लगे रहना है और अपने दोस्तों को बताते रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स का लाने वाले हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है ना कि देखते हैं, तो 22 नंबर न्यूमेरिकल्स, है ना। तो याद करो मैं न्यूमेरिकल्स का सीरीज चला रहा था, उसमें क्वेश्चंस जिसको भी चाहिए वो हम अभी फिलहाल व्हाट्सएप से ले ले और एक हफ्ते बाद मैं उसको डाउनलोड करने के लिए दूंगा नेट पे, है ना, नेट पे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं, अगर लिखना चाहते हो तो क्वेश्चंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल क्या रहा है कि अ करेंट इज पास्ड थ्रू ए रजिस्टर। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 है और एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर से पता नहीं कुछ वोल्टेज होगा, हमें अभी पता नहीं है, वोल्टेज भी है, यहां से करंट पास कर रहा है ना। तो करंट पास थ्रू ए रजिस्टर फॉर सम टाइम, कितना समय के लिए, तो मान लेते हैं टी समय के लिए इस रजिस्टर जिसकी वैल्यू आर थी उससे करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इट प्रोड्यूसेस 400 कैलोरी ऑफ हीट। अब यहां से जो हीट जो प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस कितना हुआ बाबू, 400 कैलोरी, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि इतना समय में, कितना समय में, टी टाइम में, इफ द करेंट इज डबल्ड, यानी कि बोल रहा है इफ करेंट को क्या कर दिया जाए, डबल्ड कर दिया जाए। तो करेंट को क्या कर दिया जाए, डबल्ड कर दिया जाए, तो हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो बोल रहा है हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। तो मेरे दोस्त समझना पहले बात को, हम क्या बात करें, क्वेश्चंस में दिया है कि किसी रजिस्टर से जब करंट फ्लो हो रहा है किसी समय टी में कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और क्या करंट दिया था, रजिस्टर दिया था, नाम लिखा होता क्वेश्चंस में, नहीं, क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे। तो बोला कि करेंट पासे थ्रू रजिस्टर, यानी करेंट है रजिस्टर है फॉर सम टाइम टी, तो टाइम है। तो हम लोग जानते हैं क्या हीट के लिए फॉर्मूला, वी नो, बहुत सारे फॉर्मूला बताया था मैं हीट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि करंट वाला फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर इंटू टी था कि नहीं था। अब यहां देखो रजिस्टर चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो रजिस्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था। टाइम भी क्या है बाबू, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो एच जो है यहां से मैं डायरेक्टली बोलूं किसके प्रोपोर्शनल हो गया बाबू, तो सॉरी करंट के स्क्वायर के, है ना। यानी अगर रेजिस्टेंस सेम हो, टाइम सेम हो, तो करंट किस, यानी हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, करंट के स्क्वायर के। अच्छा ये रेजिस्टेंस क्यों सेम है, टाइम क्यों सेम है, क्योंकि यहां क्या बोला है कि करंट को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और लेकिन टाइम क्या है, जो पहले था वही टाइम है। तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा कौन सा रजिस्टर, जो रजिस्टर पहले लगा हुआ था उसी की बात कर रहा है। इसलिए रजिस्टर और टाइम को मैंने फिक्स रखा, तो हमको पता है कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। अगर ऐसा है हम बोल सकते हैं
कि अगर हीट पहला केस में और बटे हीट फिर दूसरा केस में जो होगा वो क्या होगा, करंट जो पहले था उसका स्क्वायर, फिर करंट जो बाद में हो उसका स्क्वायर। तो भाई पहले करंट हम लोग, पहले करंट कितना था, आई था, बाद में करंट कितना हो गया है, देखो पहले कुछ मान लेते करंट कितना था, आई था, अब बाद में करंट को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया, कितना हो गया, टू आई हो गया, बहुत अच्छी बात है। पहले जब करंट आई था तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ था, इन एच वन कितना था, तो 400 कैलोरी था। आपको चाहे कि बाद में जब करंट को दुगना कर दिया गया तब एच टू कितना प्रोड्यूस होगा, यही फॉर्मूला निकल के आया, ऑलरेडी मैं बताया था ये फॉर्मूला, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एच वन की जगह पर क्या, इसीलिए क्या लिख दू, एच वन की जगह पे 400 कैलोरी, 400 कैलोरी और अपॉन में क्या, एच टू इज इक्वल टू आई वन का स्क्वायर, कितना माना हूं आई, तो लिख दूंगा आई और अपॉन आई स्क्वायर अपॉन आई टू की जगह पर टू आई का स्क्वायर, तो टू इंटू आई आई का स्क्वायर। तो यहां देखो तो क्या आ गया, 400 और अपॉन एच टू इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर कितना, 4 इंटू आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर कैंसिल, इधर एच टू और इधर 4, तो एच टू इंटू वन इज इक्वल टू 400 इंटू 4 कितना, 400 इंटू 4 कितना आ गया, 1600 क्या था यूनिट, कैलोरी में ना था, तो कैलोरी हो गया। यानी कि अगर तुम करेंट को डबल कर दोगे, करेंट को दुगना कर दोगे, टू टाइम्स कर दोगे, तो चार टाइम्स बढ़ जाएगा कौन, हीट, क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कौन सा, हीट प्रोड्यूस्ड, है ना। तो क्वेश्चन देखो, दिमाग को हीट करो और फिर बना जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, है ना, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 24 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो तुम लोग, है ना, कि अ बल्ब ड्रॉज 24 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई, इन्हीं एक हमारे पास बल्ब है ना, और ये कितना है, 12 वाट उसे खींचता है, कब, जब ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू कितना, 12 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू, अब बोल रहा है कि बताइए पावर कितना होगा आदि हम इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना, कि इफ कनेक्टेड कितना से, टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से अगर इसको कनेक्ट कर दे तो कितना होगा, तो बोल रहा है क्या कि नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो अगर मान लो कि क्योंकि वोल्टेज चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में कुछ चेंज होगा, उसको आप लोग नेगलिजिबल मानना है ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग इन टू केसेस, क्यों, क्योंकि दोनों में जो इक्वल हीटिंग होगा वो अनइक्वल होगा। तो मेरे को बताओ, मेरे को कि अगर मेरा 12 वोल्ट सप्लाई है तो पावर कितना है, 12 वाट है, तो बोल रहा है क्या कि अगर 6 वोल्ट सप्लाई कर देंगे तब पावर कितना होगा, यानी कि पी की वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो एक काम करो, पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीन चीज का फॉर्मूला याद करो। तो वी नो क्या जानते हैं भाई, जिसमें पावर हो, वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस हो, तो पी जो होता है इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। तो देखो यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, तो पावर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वी स्क्वायर क्या होगा, तो बस जैसे अभी बताया, तो वी स्क्वायर कितना, अगर ये पी वन है और अपॉन अगर पी टू है तो क्या हो जाएगा, वी वन का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो वी टू का स्क्वायर हो जाएगा, समझना है बात। तो यहां से क्वेश्चन में गिवन है क्या भाई, पहले पावर कितना था, 12 था वाट, कब, जब वी वन वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट था। अब पूछा है पावर अब कितना होगा, कब, जब वोल्टेज को कितना कर देगा तू, 6 वोल्ट ना, तो पुट कर दो इसमें यही वैल्यू, है ना, तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू पुट करो जी, तो क्या करोगे पुट बताओ, पी वन इस जगह पर क्या लिखेंगे, 12 वाट और अपॉन पी टू हमें निकालना है इज इक्वल टू वी वन इस जगह पर कितना, 12 वोल्ट का स्क्वायर और अपॉन नीचे में कितना भाई,
तो 6 वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट वोल्ट कैंसिल लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना आएगा भाई, स्क्वायर है दोनों, ठीक है ना। यहां ध्यान से देखोगे, मैं यहां खड़ा देता हूं क्योंकि यूनिट तो चेंज से अभी आने वाला है, तो 12/P2 इधर इसको एक से और क्या लिख सकते हो तू, 12/P2 इज इक्वल टू, बताओ मेरे को, 12 × 12 नीचे में 6 × 6, तो 6 × 12 फोर आ गया ना, तो इधर P2 है, इधर ये 12 है ना, इधर P2 है, इधर 2 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, है ना। तो और क्या ले सकते हैं तू, 12/P2 इज इक्वल टू 4/1 मल्टीप्लाई करो जी, तो P2 × 4 इज इक्वल टू 12, P2 = 12/4 इज इक्वल कितना बताओ मेरे को तुम, 3 वाट। ऐसे भी क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पावर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, घट गया ना, तो पावर भी क्या होगा, घटेगा। तो कितना गुना वोल्टेज घट गया है, तो हाफ हो गया है, तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर, समझ रहे बात को, तो हाफ का स्क्वायर कितना, 1/4, तो पावर कितना 1/4 हो जाएगा, समझ रहे बात, 1/4, तो पहले कितना था 12 था, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज अगर 1/4 हो गया ना, 1/2 हो गया ना, 12 से 6 हो गया, तो आधा हो गया ना, 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। तो अगर 12 था तो 12 × 1/4 कितना होता है जी, 3 वाट, तो आंसर हो गया कितना, 3 वाट, है ना। सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। कुछ भी दिमाग में ज्यादा दिमाग जोर नहीं, दिमाग पे जोर नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है 27 क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं 27 जो देखो बोल रहा है क्या कि ए बल्ब इज रेटेड, याद है ना रेटिंग ऑफ बल्ब बताए थे ना, तो बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, बल्ब रेटिंग क्या दिया हुआ है, बल्ब रेटिंग देखो ध्यान से, 60 वाट और 220 वोल्ट है, फाइंड द करेंट ड्रोन बाय इट, अब क्या बोलना है, सॉरी कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, तो फाइंड क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग कैलकुलेट कर किए थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स 192, अब बोल रहा है ये तो हो गया ठीक है ना, बोल रहा है कि दूसरा केस में क्या कि इफ वोल्टेज इज ड्रॉप्ड कितना से 192 वोल्ट, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया 192, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड एंड द करेंट ड्रोन, तो बोल रहा है कि देन फाइंड करेंट एंड पावर। तो अभी अभी क्वेश्चन दिया था मैंने, वही क्वेश्चन है, एक काम करो, हमें क्या है बल्ब को, वही है बल्ब का क्या किया, हम खाली वोल्टेज चेंज कर दिए, तो बल्ब के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं किया ना, तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो लेकिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर दिया है वोल्टेज दिया, तो हम लोग क्या जानते हैं पहला क्वेश्चन में, वी नो क्या भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर अपॉन P, तो कितना देगा जी 220 × 220 और अपॉन में P कितना है 60, ये इसको काटो है ना, फिर पता नहीं कितना आएगा आंसर, 60 वाट है, 311 है ना। अब आप लोग जो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करूं मैं, कैलकुलेट करूं, हाँ 11 × 2 = 22, 2 × 22 = 24 है ना, अपॉन 3 कितना से, इतना ही रख देते हैं ना, इतना ओम लिख देते हैं, ठीक है, इतना ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब आगे बोला क्या कि वोल्टेज क्या क्यों तुम ड्रॉप कर दो कितना से, 192 वोल्ट से, यानी कि वोल्टेज चेंज हो गया ना, तो क्या बोला है फाइंड करेंट और दूसरा पावर, तो पहले पावर निकाल लेते हैं फिर करेंट निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो तो पहले पावर निकाल लेते हैं फिर करेंट निकाल देंगे, है ना, या तो ऐसे भी कर सकते हो, वोल्टेज कितना है 192 है ना, तो चूंकि V इक्वल कितना होता है I × R, तो R तो हमें पता है क्योंकि बॉल तो अभी तक वही है ना बाबू, तो जब बॉल वही तो I कितना हो जाएगा, V / R हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, करेंट वोल्टेज कितना दिए हो,
192 और अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 2420 और अपॉन 3, इसको ऊपर भेजो तो 192 इंटू 3 और अपॉन 2420। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, देखना पड़ेगा कैंसिल होता है कि नहीं होता है, होगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। देख लेना इसको कैलकुलेट करके, है ना, इतना एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया, करंट निकल गया। अब क्या निकालना है मुझे, पावर निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज तो घटा है और रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो अभी फॉर्मूला बताए थे क्या, कि इफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वायर की। अभी अभी क्वेश्चन पे तो क्या हो जाएगा, पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी वन स्क्वायर बटे वी टू स्क्वायर। पी वन कितना था 60, तो लिखेंगे 60। पी टू कितना है हमें निकालना है, वी वन कितना था 220, तो 220 गुने 220 और अपॉन वी टू कितना चेंज कर दिया है 192, तो 192 इंटू 192, है ना। तो यहां से पी टू निकल जाएगा, पी टू इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए पी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू, ये इधर लेके जाओ तो 192, फिर 192 और नीचे में कितना आ जाएगा, ये तो इधर गया है तो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220 इंटू 220, है ना। ये यूनिट क्या जाएगा, वाट। ये सब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें समय लगेगा, ठीक है। तो फिर दिक्कत है, उतना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन समझो तो एकदम से इजी था, सिर्फ हमें फॉर्मेट चेक करना है जी कि क्या क्या दिया हुआ है और उतना डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये दो चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, तभी क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट, है ना, व्हाट क्वांटिटी इज गिवेन एंड रेफरेंस टू दैट क्वांटिटी, है ना, व्हाट फॉर्मूलास वी गोट, देन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट द फाइनल यील्ड, है ना, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रियली अ वेरी लार्ज क्वेश्चन, है ना, इसको कुछ समय लगेगा, तो देखते हैं इसको, ना, मजेदार क्वेश्चन है, आता है। देखो क्या है जो समझना, क्वेश्चन ऐसा है कि ए रूम हैज टू लाइट्स, एक रूम है, चलिए आप अपने घर का रूम मान लीजिए, तो टू लाइट है, ओके, टू लाइट्स, एक फैन है, एक फैन है और एक टीवी है, ओके, ईच ट्यूबलाइट, अब ट्यूबलाइट जो है ना, ट्यूबलाइट है ना, बल्ब मतलब बोल रहा हूं, ट्यूबलाइट मैं बोल दूं, ट्यूबलाइट जो है कितने का है बता, देखो तो 40 वाट का है, पुराना वाला ट्यूबलाइट 40 वाट का ही आता था, है ना, अब एलईडी वाला कम आता है, चलिए ये तो हो गया। बल्ब फैन जो है हमारा वो कितना है 80 वाट ड्रो करता है और टीवी जो है वो 60 वाट ड्रो करता है, ठीक है, ऑन एवरेज ट्यूब आर केप्ट फॉर, अब देखो इसको जो है ट्यूब को कितना देर के लिए रखा है तुम लोग, केप्ट फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स के लिए इसको ऑन रखते हो, फैन फॉर 12 आवर्स, पंखा को 12 आवर्स के लिए ऑन रखते हो, इसको ऑन रखते हो, इसको ऑन रखते हो, ठीक है, और बोल रहा है टीवी फॉर 8 आवर्स, टीवी को 8 आवर्स आप ऑन रखते हैं, तो बोल रहा है क्या, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, अब देखो तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना 3.1 आरएस, मतलब कि आरएस 3.10 पर किलोवाट आवर, याद है ना, किलोवाट आवर मतलब कि यूनिट, एक यूनिट अगर बिजली उठेगा तो 3.10 किलोवाट लगेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मंथ, 30 डेज में आपको निकालना है ना, तो फाइंड कॉस्ट, फाइंड द मंथली कॉस्ट लिख दूं, मंथली कॉस्ट या फिर मंथली का मतलब 30 डेज कॉस्ट, तो एक दिन में देखो तो क्या कंजप्शन करते हो, एक दिन में सबसे पहले समझो, है ना, तो हमें क्या करना है भाई, समझ जाओ मतलब, यानी कि हमें एक यूनिट, अगर एक यूनिट 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना कितना मिलते हैं 6 ना इतना ना 3.6 इंटू 10 टू 6 जूल 3.6 जूल ना याद है ना किलोवाट
आवर 3600 1000 है ना 1000 into यही तो था, चलो इतना ही था है ना, इतना जूल था 1 kWh में। चलिए इतना ही हमें यानी अब ये देखना पड़ेगा कि कितना जूल है ना। तो नंबर ऑफ मान लो कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कंजम्पशन यानी कि एनर्जी बराबर क्या निकालेंगे, तो एनर्जी किसके कारण, ट्यूबलाइट के कारण, फिर एनर्जी किसके कारण, फैन के कारण, और फिर एनर्जी किसके कारण, टीवी के कारण, तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले देखते हैं एनर्जी किसका, ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट एक दिन में कितना घंटा चलता है, 5 घंटा चलता है, और एक उसका पावर कितना है, 40 वाट है ना। तो भाई एनर्जी क्या निकालते हैं, पावर इंटू टाइम, एनर्जी बराबर क्या होता है भाई, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम है ना। तो भाई एक दिन में कितना पावर कितना है, 40 इंटू टाइम कितना है, सेकेंड में निकालना है, तो 5 × 3600 इंटू कितना दिन के लिए, 30 डेज के लिए। फिर से समझो पहले बात, एक दिन में कई घंटा, 5 घंटा, तो 5 घंटा और एक घंटा में कई सेकंड, 3600, तो ये 5 × 3600 कितना के लिए हो गया, एक दिन के लिए, और कितना दिन का निकालना है, 30 दिन के लिए, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो है ना। और कितना वाट है, 40 ना, वाट का मतलब जूल पर सेकंड ना, तो 1 सेकंड में 40 जूल, तो इतना सेकंड में कितना जूल, इतना जूल है ना। तो यही हमारा हो गया एनर्जी किसका, ट्यूबलाइट का। निकालना चाहो तो निकाल लो है ना, कितना है इसको एक साथ रखो है ना, 36 इंटू कितना 20 और 20 के 60 इंटू कितना 1 2 3 4 10^4 इतना जूल है ना। एनर्जी किसके कारण, ट्यूबलाइट के कारण निकल गया, फैन के कारण निकालो, फैन के कारण कैसे निकालेगा, तो पावर इंटू टाइम, तो पावर कितना है फैन का, 80 वाट, तो 80 × टाइम कितना, एक दिन में कई घंटा, 12 घंटा ना, तो 12 × 3600 सेकंड ये तो हो गया एक दिन का, अब उन्हें कितना दिन, 30 दिन का, तो 30 दिन का, तो कितना आ गया बताओ मेरे को, फिर से 3600 को एक साथ लिखो, काटने में काम आएगा, अच्छा इंटू 12 × 96 × 3 96 × 3 6 18 8 × 1 928 इंटू कितना 1 2 3 4 10^4 इतना जूल। अब एनर्जी किसके कारण निकालना है मुझे, फाइन ट्यूबलाइट निकल गया, फैन निकल गया, टीवी के लिए निकाल देना है, टीवी कितना है 60 वाट का है, तो 60 अगुने कितना घंटा, 8 घंटा, 8 × 3600 एक दिन में भैया, और इंटू कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो 30 बराबर कितना, तो फिर से 3600 तो एक साथ लिखेगा, इंटू इधर एक साथ लिखो है ना, तो 8 × 48 8 × 24 = 6 कितना होता है, याद है 114 होता है क्या, 134 134 ना, और फिर से 10^4 134 होता है ना, 48 × 3 8 × 24 = 4 13 सही है 134 है ना। इतना हो गया टोटल, तो टोटल एनर्जी इतना आ गया ना, देखो तो इजी तो था सब, टोटल एनर्जी पहले निकाल लेंगे, नहीं तो टोटल एनर्जी यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना बता मेरे को, तो सॉरी 36 ये कहां सा गया, इधर 36 ना, हाँ तो 36 यहाँ पे कॉमन आ गया, 36 यहाँ पे कॉमन आ गया, 36 यहाँ भी कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे सब लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं भाई, 36 × 60 × 10^4 प्लस फाइनल एनर्जी 36 इंटू अरे जीरो यहाँ पे हटा दिए थे 288 इंटू 10^4 प्लस टीवी वाला 36 इंटू 134 इंटू 10^4 इतना आ गया, इतना क्या जूल। अब ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन किया, अगर इतना जूल करता तो एक यूनिट होता, इतना जूल में कितना यूनिट होगा है ना, वही निकालना। तो भाई इसको मिटाता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आगे चलते हैं। यहां सबसे पहले टोटल एनर्जी को जोड़ दो, तो क्या है 36 और 10^4 कॉमन है, एनर्जी बराबर टोटल क्या जाएगा, 36 × 10^4 क्या है कॉमन है, ये कितना है 60 है प्लस 288 है प्लस 134 है, यही है ना। तो कितना आया भाई 36 × 10^4 × 8 12 12
है ना, 12 टूल 1 1 ना, और 4 और 4 8 12 12 और 6 18 8 है ना, हाथ में 1 ठीक है, 2 और 2 4 इतना ही आ रहा है ना बाबू, इतना जूल आ रहा है। तो देखो तो इतना तो आप जानते हो ना, चूंकि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल बराबर 1 यूनिट, तो इसीलिए 1 जूल बराबर कितना, तो 1 बटा कितना 3.6 × 10 के पावर 6 यूनिट, हमें कितना जूल, 1 जूल है, कितना जूल, इतना है ना, इसीलिए 3.6 × 10⁴ × 4 × 4 = 82 जूल बराबर। तो भाई कितना आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं से? कितना जाएगा 1/3.6 × 10⁶ × 36 × 10⁴ × 4 = 82, इतना यूनिट हो गया, नहीं अब यूनिट निकल गया। तो कुछ नहीं करना था, टोटल एनर्जी को इससे भागा देना होता है, नंबर ऑफ यूनिट निकल जाता है, ठीक है। तो भैया वही किए हैं, टोटल एनर्जी को इससे भागा देती है। तो भाई तो मेरे बताओ, तो अगर 3.6 से काटेगा तो 10 आएगा, अब 10 के पावर 4 और यहाँ पे 5, तो कट कट गया, ये वो यहाँ बचेगा 10, तो 482.10 आ गया, नहीं तो ये वो कट 482.10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हटा देंगे तो 48.2 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना दाम था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना, 1 यूनिट में 3.1 ना, इसीलिए कितना यूनिट है, 48.2 × 3.10 इतना रुपया लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आरएस आंसर। अब गुना उना कर दो, इधर हम कर दिए, इसको आप करिए, ठीक है। तो पूछ नहीं था, क्या करना था, पहले जितना भी डिवाइस घर में लगा हुआ है, पंखा बॉल टीवी जो भी है, लैपटॉप मोबाइल, सबको इतना कितना खाता है वो निकाल लीजिए, कौन कितना देर ऑन रहता है आपको पता होना चाहिए, कितना दिन के लिए निकालना है उससे निकाल सकते, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भाई, मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है जो देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक तो सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, पता नहीं ये क्यों क्वेश्चंस लिया हूं मैं, कुछ तो होगा तभी लिया हूंगा, ऐसा तो नहीं लेता इतना आसान क्वेश्चंस। ये 6 वोल्ट लगा हुआ है, ये 6 वोल्ट है, ये 15 ओम है और ये 30 ओम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये फाइंड बोल रहा है क्या, आर इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है, करंट पासिंग थ्रू द सेल है ना, करंट इन द सर्किट, करंट किसमें, सर्किट में, सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो निकालना है, थ्रू द 30 ओम, और करंट निकालना है आई, यानी करंट निकालना किसमें, सर्किट में निकाल दिए पूरे में, और थ्रू 30 ओम, और 30 ओम से कितना करंट जा रहा है वो भी निकालना है, ठीक है, ये तीन चीज निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने को दिक्कत नहीं है, दोनों पैरेलल में है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, तो कितना है भाई 15 × 30 और अपॉन 15 + 30 45 लिखू डायरेक्ट 45 है ना, या मैं लिखता हूं 15 + 30, तो 15 × 30 और अपॉन 45 3 × 10 = 10 कितना आ गया 10 ओम। तो ये दोनों को हटाओ, इसको कितना लिख दो 10 ओम लिख दो, चलो भैया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसको बदल दो है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये हो गया 10 ओम हो गया और ये 6 वोल्ट हो गया, तो भाई करंट निकल गया इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन करंट निकालना था, ये पहला हो गया, दूसरा क्या लिखेगा, V बराबर I into R, ओम्स लॉ जानता है ना, तो भैया करंट क्या आ जाएगा V अपॉन R, तो V कितना है 6 और 10 कितना 0.6 एम्पियर, 0.6 यहां से निकला ना, बैटरी से ना, 0.6 एम्पियर करंट है ना।
चलो तो करंट तो 0.6 यहां से निकला, अब यहां के बाद दो रास्ता, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, है ना। ऑब्वियसली यहां रेजिस्टेंस कम है, यहां पे क्या है ज्यादा है, अदर इसका दुगना है, तो करंट इसमें आधा हो जाएगा इसमें दुगना हो जाएगा, तो तीन भाग में कटेगा, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा i, तो दोनों मिलकर कितना देगा 0.6, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, समझ में आया बात। लेकिन चलो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम लोग नियम से निकालते हैं। तो देखो ये दोनों क्या चीज है, पैरेलल है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो 15 ओम एंड 30 ओम आर पैरेलल, तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, तो इसीलिए तो वी बराबर कितना आई इंटू आर, तो आई बराबर क्या जाएगा वी बटे आर, वोल्टेज किसका 30 ओम का अभी कितना 6, और अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा पूरे सर्किट का थी 30 का 30 वाला, तो 30 कितना 1/5 है ना, तो 0. कितना 2 एम्पीयर, अगर ये 0.2 आया सॉरी इसमें 2 आई जाएगा इसमें आई जाएगा ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज्यादा है दुगना है ना, रेजिस्टेंस दुगना तो करंट आधा, इसमें आई तो इसमें 2 आई, आई फिर कितने 0.2 ना, तो 0.2 एम्पीयर, तो ऑब्वियसली इसमें कितना जाएगा 2 आई है ना, 0.2 into 2 कितना 0.4 एम्पीयर है ना, तो देखो दोनों जोड़ के कितना आ गया 0.6 आया ना, तो हम डायरेक्ट चाहते तो इसमें आई क्यों, क्योंकि ये करंट ये रेजिस्टेंस कितना था 15 था, ये कितना था 30 था, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो करंट कम होगा, तो कितना ज्यादा है तो इससे दुगना है, तो करंट भी इससे इसमें दुगना होगा कि नहीं, तो इसमें अगर आई होगा तो इसमें कितना होगा 2i होगा, समझ आए बात। तो भैया एक आई और 2i को जोड़ दो, तो 2i प्लस आई दोनों मिलकर कितना आना चाहिए 0.6 ही ना, 0.6 3i इज इक्वल टू 0.6, आई इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 3, तो कितना 0.2 ना आ गया इसे। ऑब्वियसली यार अगर रेजिस्टेंस दुगना है तो करंट हाफ होगा, ठीक है, अगर इसका से ये दुगना है रेजिस्टेंस तो करंट इसमें इससे हाफ होगा, अगर इसमें 1 होगा तो इसमें 2 होगा, इसमें अगर 10 होगा तो इसमें 5 होगा, तो अगर इसमें 2i है तो इसमें i होगा, और 2i प्लस i मिलकर कितना होगा तो 0.6 होगा, तो वैसे भी इसको आप बना सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर ये फंडा लगा दो कि ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में, तो दोनों का वोल्टेज कितना 6, तो भाई वोल्टेज इक्वल टू i इनटू r, r पता है वोल्टेज पता है इसका करंट निकल गया। चलिए इजी था क्वेश्चन, खत्म हो गए ना, हो 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 क्या है जो देखते हैं, 44 भी क्वेश्चन जो है सर्किट वाला ही है, ठीक है, चलो 44 भी देख लो, 44 क्या है जो देखो, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल, सेल से कितना करंट जाएगा, कोई फायदा नहीं है बनाने से, ये दोनों जोड़ दो, ये कितना है 10, ये भी 10 और ये 5 वोल्ट करंट निकालना है, कोई दम ही नहीं क्वेश्चंस में, ये दोनों क्या चीज में पैरेलल में है ना, ये तो 10 10 का कितना होता है 5 हो जाएगा ना, कितना जाएगा बताओ मेरे को, यहां से ये 5 और ये दोनों मिलकर के सिंगल हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा है ना, ये दोनों मिलाएंगे तो आप फिर दोनों को जोड़ दो 5 वोल्ट, अभी दोनों मिलकर कितना हो गया 10 हो गया ना, इसको अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 ओम ये 5 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा आई बराबर वी बटे आर, वी कितना है 5, आर कितना है 10, कितना 1/2 मतलब कितना 0.5 एम्पियर, यहां से करंट कितना जाएगा आई बराबर 0.5 एम्पियर जाएगा, ठीक है, अब यहां 0.5 आया तो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा आई बाई टू, आई समय कितना जाएगा आई बाई टू आंसर। चलिए लेकिन यही निकालना था, ये नहीं निकालना, अगर ये निकालना था तो कितना लिखते आधा इसका 0.5 तो कितना 0.25, यहां भी क्या लिखते हैं 0.25, क्यों कि दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम, अब जिस रेशियो से रेजिस्टेंस बदलेगा उसी रेशियो से करंट भी क्या होगा
बदलेगा, है ना। ये 12th में पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, है ना। तो डायरेक्ट आप देख के क्वेश्चन बना सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बस ऐसा ही था, ठीक है। आगे बढ़े 46 नंबर क्वेश्चन, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं, हाँ 46 क्या है। फिगर शोज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई पार्ट को दिखाया गया है, वो ऐसा है। ये यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये है 10 ओम और ये है 20 ओम और ये पता नहीं है, ठीक है। इसको वैल्यू मान लो R 20, ठीक है। पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर रीडिंग दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर। एमीटर से कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम एंड 20 ओम, तो इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, ये आपको निकालना है। अरे बाप रे बाप, कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। एक काम करो कि इसको निकालना तो पड़ेगा ही, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए ध्यान से, समझिएगा बात को। इसमें मान लो करंट है I1, इसमें कितना करंट है I2, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए, I बराबर होना चाहिए। तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होना चाहिए, I के, यानी कितना 3.0 एम्पियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। I1 प्लस I2 बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट बना सकता था। देखो ये 10 है, ये 20 है, तो दुगना है कि नहीं है, इसमें आधा होगा तो इसमें दुगना होगा। अगर इसको 2i मान ले, इसको i मान ले, तो 3i इक्वल टू 3 डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी उसे नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा यहां पे क्या है कि 10 ओम एंड 20 ओम आर क्या है, पैरेलल है, तो भी क्या होगा, सेम होगा ना। तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा, i1 इंटू आर वन, तो i1 इंटू आर वन बराबर यहां पर वोल्टेज क्या होगा, i2 इंटू आर टू। दोनों वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। I1 R1 इक्वल होना चाहिए किसके, I2 R2 को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो I1 लिख देंगे, R1 कितना है 10, I2 लिख देंगे, R2 कितना है 20, 10 से काट देंगे 2, देखो तो I1 कितना आ गया 2 इंटू I2। अब यहां रख देंगे I1 की जगह पर क्या रखेंगे 2 I2, तो यहां पे 2 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 3, तो 3 ऑफ I2 इज इक्वल टू 3, तो I2 इज इक्वल टू काट दो 1। अगर I2 1 आ गया, इसलिए I1 कितना आ गया 2 इंटू 1 बराबर 2 एम्पियर। तो बताओ मेरे भैया कि इसमें कितना जाएगा 1 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 2 एम्पियर, जाना भी चाहिए। ये रेजिस्टेंस कम है ना, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इसे दुगना है। तो बताओ मेरे को करंट इसमें दुगना होगा, तो देखो इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, है ना। डायरेक्ट आप निकाल सकते थे वो काम, क्या कि सर इसमें अगर 2x जाएगा तो इसमें x जाएगा, 2x प्लस x मिल करके 3 होगा, तो 3x is equal to 3, तो x is equal to 1, तो आ गया 2 into 1, 2, डायरेक्ट, है ना। तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट ऐसे बना सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना है पैरेलल में वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्या है, अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, एक बल्ब है वो रेटेड है कितना 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस नहीं है 5 वोल्ट, 100 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर, यानी कि वोल्टेज है और करंट है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट द रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस, यानी कि पावर क्या होगा रेटिंग का और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई बताइए मेरे बाप, वोल्टेज है करंट है, वी कितना है 5 वोल्ट, आर कितना है 100 मिली एम्पियर, मतलब 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर, तो 2 को खत्म कर दो, तो 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, मतलब 1 बटा 10, मतलब कितना 0.1 एम्पियर करंट हो गया।
तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो याद है ना, वी इंटू आई, भूल गया, वी कितना है 5, आई कितना है 0.1, कितना आ गया वी आई की जगह पर 0.5 वाट। तो पावर तो पता चल गया। अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, है ना, तार इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर और अपॉन में पी लिख सकते हो, वी स्क्वायर कितना तो 5 × 5 और अपॉन पी कितना 0.5, है ना, इससे 10 तो कितना 50 ओम, है ना, या फिर वी इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं ऑल्सो, और वी इक्वल टू आई इंटू आर लगा सकते हो, है ना। तो भैया हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, वी कितना है 5, आई कितना है 0.1, सुनना ऊपर 10 लगे, कितना आ गया 50 ओम, है ना, ये लगा दो या ये लगा दो, जो भी आपको लगाना है दोनों लगा करके आंसर आप पा लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, सारा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा बनाना था, दो चीज दिया हुआ है, दो चीज निकालना है, निकाल सकते हो आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पचास दो चार पांच क्वेश्चन और है ना, हो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कितना है 54 नंबर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। टू रजिस्टर्स है R1 एंड R2, R1 कितना है 10 ओम और R2 कितना है 20 ओम, कैसे है ज्वाइंट, कैसे ज्वाइंट किए हो, पैरेलल ज्वाइंट पैरेलल, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया हो भाई तो 12 वोल्ट, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर, तो बोल रहा है क्या कि इतना लगा दिए तो फाइंड करना है पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर, यानी कि ऐसे लगाया गया होगा, इसको दोनों को जोड़ दिया गया हो किससे, वोल्टेज से, कितना वोल्ट से 12 वोल्ट से, ये कितना 10 ओम और ये कितना 20 ओम, तो बताओ मेरे को वोल्टेज सब में सेम रेशन, तो पावर निकाल सकते इसका, तो P1 डायरेक्ट निकाल दे, P1 कितना V1 स्क्वायर अपॉन R1, तो V तो सेम है ना, तो V स्क्वायर, तो 12 × 12 और अपॉन कितना 10, 144 और अपॉन 10 कितना 14.4 वाट, और इसका पावर निकाल देगा कैसे आएगा भाई पावर, बताओ मेरे को पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर कंज्यूम करेगा तो बताओ, तो P2 कैसे निकालेगा, तो V स्क्वायर बटे R2 लिखेगा, तो 12 × 12 और अपॉन कितना 20, 10 6 7.2 वाट, तो ऑब्वियसली वोल्टेज अगर सेम है तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना, पावर देखो ना, वोल्टेज सेम है ना तो पावर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है सेम है, तो भैया जिसका रिएक्शन ज्यादा उसका पावर कम, इसका रिएक्शन ज्यादा तो पावर कम, इसका रिएक्शन कम तो पावर ज्यादा, है ना। चलिए तो ये आपका आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, आप अनुसार, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हीटर कितना है 1100 वाट और 220 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, पहला बोल रहा है फाइंड रेजिस्टेंस हीटर का, और दूसरा किलोवाट आवर कंज्यूम्ड, है ना, किलोवाट आवर कंज्यूम्ड क्या, हाँ वीकली, कब, डेली फॉर इफ इट इज यूज्ड डेली फॉर कितना 4 आवर्स, अगर 4 घंटा डेली हीटर चलाते हो तो कितना बिजली खाएगा, यही निकालना है,
तो चलो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो तो इजी है ना, पावर दिया हुआ है। तो P पावर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन P, V कितना है भाई, तो 220 into 220 और अपॉन 1100। यार ये तो ठीक है, ये हाँ करता मैं, हाँ करता मैं, हाँ करता मैं, 11 है ना, कितना आ गया 44 ओम। देखो तो चलो ये तो ठीक है यार, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्या किलोवाट आवर कंज्यूम, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ मेरे को, अभी हीट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, पावर कितना है ये 1100 इंटू टाइम, देख लो टाइम कैसे निकालेगा, इजी है, चार घंटा है ना एक दिन में, तो 4 × 3600 तो हो गया भाई एक दिन का, और वीकली मतलब 7 दिन का निकालना है, ये हो जाएगा आपका टोटल पावर कंज्यूम। इसलिए नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट क्या बताए थे, टोटल एनर्जी और बटा में 3.6 इंटू 10^6 याद है ना, तो टोटल एनर्जी कितना, यही ना 11 इंटू 7 × 4 28 × 3600 1100 लिख दूं, अच्छा 1100 कर देता हूं, और अपॉन इसको लिखो 3.6 × 10 के पावर कितना 6 ना हो, तो कई गो ऊपर है 2 और 2 4 यहां खत्म, तो 2 को बचा ना, 2 को बचा है ना, और यहां से काट दो 10, तो 2 को भी तो खत्म, 1 को बचा ना नीचे, तो ऊपर कितना है 11 × 28 अब बटा में 10, अब गुना करते रहना 280 और 280 और 28 280 और प्लस 28 कितना होता है 280 20 300 308 और अपॉन 10 यानी 30.8 यूनिट, 30.8 किलोवाट आवर लिखो या 30.8 यूनिट लिखो, है ना, दोनों बात क्या है सेम है, चलिए ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चंस है, 56 हो गया ना, 58 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है 58 क्या है देखो जरा सा बताओ। अरे यार इजी है, बोला है क्या कि 6 × 10^7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्रॉस पर मिनट फाइंड करंट, तो चार्ज और क्या बढ़ाए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है ना तुम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10^7 एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है, तो 1.6 × 10^-19 9.6 × 10^-12 कूलम हो गया ना ये तो, और एक मिनट में, तो टाइम आई पावर कितना, क्यू अपॉन टी, क्यू कितना 9.6 × 10^-12 और टाइम एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो इसे कर दो, −1.6 × 10^-13 एम्पियर, सही है ना, Q = Ne 9.6 × 10^12 कूलम, Q/T 1 मिनट का 60 सेकेंड, ठीक ही है, इतना एम्पियर हो गया है ना, 1.6 × 10^13 एम्पियर, ठीक है। चलिए 58 खत्म, चलिए आगे चलते हैं 63 क्या है भाई, Q/T लगाना था इसमें तो कुछ था ही नहीं, 63 नंबर क्या है क्वेश्चंस, टू रजिस्टर ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम, देखो दो रजिस्टर दिया हुआ है ये, और यहां पे आ गया वोल्टेज है ये है हमारा 6 एम्पियर, ये है 10, ये है 20 है ना, पैरेलल बैटरी सप्लाई 6 एम्पियर ना, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर, अरे यार करंट निकालना है इस रजिस्टर में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, देखो ये दुगना है ना, तो इसमें करंट दुगना कर दो, तो इसमें कितना 2x, इसमें कितना x, दोनों मिला के कितना 6 ना, तो 2x + x = 6 और कितना x = 6/3 यानी 2 एम्पियर, इसमें कितना आ गया 2 एम्पियर, इसमें कितना आ गया 4 एम्पियर आंसर, नहीं समझ में आया
चलो नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, दूसरा मेथड करो, है ना। इसमें मान लो कितना आई वन, इसमें आई टू वोल्ट, दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज क्या रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा ना। आई वन आर वन क्या देगा, फोर पैरेलल आई वन आर वन बराबर आई टू आर टू, आई वन इंटू टेन बराबर आई टू इंटू ट्वेंटी, टेन टू जा ट्वेंटी, आई वन इज इक्वल टू टू आई टू, सही है ना। चलिए तो और आई वन दोनों मिला कितना सिक्स ना, अच्छा और आई वन प्लस आई टू बराबर कितना सिक्स, आई वन कितना पर टू आई टू, टू आई टू प्लस आई टू बराबर सिक्स, थ्री आई टू बराबर सिक्स, आई टू बराबर सिक्स बाई थ्री कितना टू एम्पियर, इसलिए आई वन बराबर टू इंटू टू फोर एम्पियर। आई वन आई टू किसे माने हो, इसे माने हो, आई वन किसे माने हो, इसे माने हो, है ना। कितना इसमें फोर एम्पियर, इसमें कितना है टू एम्पियर। जैसे भी मेथड बनाओ, ये सेकेंड है ये फर्स्ट, जो भी तुमको बनाना है ना, डायरेक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो जस्ट करेंट दुगना तो करेंट हाफ, रेजिस्टेंस दुगना तो करेंट हाफ, ठीक है ना। चलो बहुत इजी है, आगे 63 हो गया, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्या है भाई, एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड, ये केटल है जी ऐसा इलेक्ट्रिक वाला है ना, क्या है 500 वाट 220 वोल्ट यूज टू हीट वाटर, कितना सेकेंड हीट वाटर यूज टू हीट वाटर कितना सेकेंड के लिए 30 सेकेंड, एज्यूमिंग वोल्टेज ही 220 ही है तो कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट बराबर क्या होता है पावर इनटू टाइम, पता है कि नहीं होता है क्यों, क्योंकि वोल्टेज भी इसको कितना दे रहे हो 20 दे रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं फुल पे काम करेगा, तो पावर कितना 500 इनटू टाइम कितना 30 सेकेंड, पांच या 15 कितना एक दो तीन ना 15,000 जूल आंसर, इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जी, ठीक है ना। तुम जैसे भी निकाल लो, तुम बी स्क्वायर बटे आर करके निकालो या एस स्क्वायर आर टी करके निकालो, जैसे भी निकालो ठीक है, इतना ही करेगा क्यों, क्योंकि उसको कितना पे काम करा 220 पे और चला भी कितना पर 220 पे। हाँ अगर इसको हम 220 नहीं सप्लाई करें, इसको सप्लाई करें 200 तो ऑब्वियसली इतना ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब वहां पे हम वोल्टेज क्या यूज करेंगे 200 और उसके कारण हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेटिंग है इसी पे अगर काम करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिया हूं, ठीक है। अभी मैं एक क्लास और इस पे लूंगा, क्या चीज मिसलेनियस, उसमें कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो कि बिल्कुल 10th लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इसको पूरा कम इसको ये कीजिए, मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए, मैं जो सारे क्वेश्चंस को बोल दिया हूं उसको लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आपको जो है मैं पूरा ये पीडीएफ भेज दूंगा और इसको आप पूरा क्वेश्चंस बनाइए जो मैं छोड़ा हूं, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया हूं, जो छोड़ दिया हूं वो आपको बनाना है, ठीक है, और ऐसे ही बने रहना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।